गया हूँ, बुटवल की तरफ भाग रहा हूँ। देखता हूँ ढाबा का एक्सपीरियंस, छोटा छोटा जो टपरी होता है इंडिया में और यहाँ का क्या डिफरेंस होता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में। खाना पूछूंगा, बातचीत करूंगा, देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस है। तो बगल में रिवर भी है तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। रैगनर चलो चलो इधर चलो अंदर चलो धूप है ना, बैठो। हाँ वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखेंगे खाना क्या है खाने में। ये सेब और ये क्या है, चावल का। ये आप उनको दे रहे हो क्या? नहीं तो अच्छा मेरे को दे रहे हो, तो गरम नहीं है क्या? हाँ, गरम कर दो ना कम से कम ये वाला तरकारी। हाँ तरकारी गरम कर दो। ये क्या चीज का बना हुआ है ये वाला? चावल को। हाँ चावल को पीटो। चावल राइस। चलो ठीक है, तो ये चीज हो गया। और क्या है यहाँ पे, अंडे भी है, देसी अंडे। अंडे बॉईल कर दो आप, बॉईल अंडे हैं। हाँ एक अंडे भी दे देना आप उसमें। अंडे हो, ये देसी अंडा मिल गया है, ये खाऊंगा। रैगनर वहाँ आराम कर रहा है। तो हथौड़ा से निकला सुबह सुबह, होटल काफ़ी अच्छा है, चीप है और डॉग फ्रेंडली है। नेपाल पूरा डॉग फ्रेंडली है, यहाँ पे डॉग के साथ ट्रैवल करना इशू नहीं है। आपका नाम क्या है डॉग का, पूजा का? हम लोग उसको बोलते हैं कुकुर तिहार। कुकुर तिहार, कुकुर मींस डॉग। हाँ और तिहार मतलब तिहार मींस पर्व, फेस्टिवल। हाँ पर्व। हम लोग उसको अच्छा खाना देते हैं और हाँ, टीका लगाते हैं और टीका वाला लगाते हैं। हाँ हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग में इंडिया में ना डॉग का इमेज पूरा खराब हो गया, न्यूज वाला लोग सब खराब करके रख दिया है। वो लोग कहते हैं कि काटता है। देखिए मेरे को तो ये कहना है कि अगर आपको सोसाइटी पहचानना हो ना तो वहाँ का रहने वाला कुत्ता को देखिए। वहाँ का कुत्ता अगर अच्छा है तो सोसाइटी भी अच्छा है। अब यहाँ पे भारत में लोग उसको वैसा ट्रीट किए हैं, खाना नहीं देते हैं, पत्थर मारते हैं, तो काफी तकलीफ होता है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब होंगे। मिल जाएगा ना? हाँ कहीं भी कोई इशू नहीं। अभी अभी मैं यहाँ गया था शहीद स्मारक। शहीद स्मारक हाँ, जहाँ पे काउंटर टिकट कटा 120 रुपया बाइक पार्किंग के साथ लिया। तो वहाँ पे क्या है, नोटिस किया ना कि हम लोग अगर कहीं कोई पार्क जा रहे हैं या कोई जू पार्क या कोई पिकनिक स्पॉट जहाँ पे टिकट कटता है, जहाँ पे सरकार का कंट्रोल रहता है, वहाँ पे डॉग एकदम अलाउड नहीं है। डायरेक्ट बोलेगा लेके जाओ इसको यहाँ से। वहाँ इतना भीड़, इतना क्राउड, कितने हजारों लोग में थे, झुलवा था, बच्चे थे। आप जैसे डॉग को अच्छी तरह ट्रेन करना जरूरी है। हाँ लेकिन हम लोग कोई कोई डरता नहीं इससे। सही बात है। अब देखिए मैं बिना पट्टा का इसको पूरा उतना भीड़ में घुमा दिया तो काफी लोग खुश थे, अच्छा लग रहा था उनको भी, मुझे भी बहुत काफी अच्छा लगा। और वहीं अगर भारत में रहता तो डरता मैं घूम भी नहीं पाता हूँ ठीक से ये सब जगह। ये भी परेशान हो जाता। चलो थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो नेपाल में पेट्रोल ले रहा हूँ पहली बार। नेपाली रेट दिखा रहा है दोस्तों 182 रुपया लीटर। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया के हिसाब से 113 रुपया कुछ पैसा लीटर है पेट्रोल। तो इक्वली है लगभग इंडिया और नेपाल का पेट्रोल का प्राइस। तो ये हुआ मेरा टोटल 1860 रुपया। जो टपरी में एक भैया मिले थे उन्होंने बताया कि आप रास्ते में सोहरा मिलेगा, तो सोहरा ज़रूर आना दोस्तों, आप भी आना। यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी शॉप है, यहाँ पे हर तरह के सामान वगैरह मिल सकते हैं। अभी आगे आगे और दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। मार्केट किधर लगता है सोहरा का? मार्केट सोहरा। होटल नहीं, मार्केट है ना इधर कहीं। हाँ मार्केट है इधर सौरा। मेरा भी दुकान ही है सौरा में, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। ठीक है। कल खत्म किया। हाँ ये बीच कल रात में खत्म किया ये वाला रोड, ये नया है। अच्छा ये धर्मक्ष रोड है ना? हाँ हाँ हाँ। कहाँ से? इंडिया से आएगा। हाँ झारखंड। पटना? झारखंड, बिहार के बगल में झारखंड। सरसों का फूल दिखता है दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं वेज थाली ऑर्डर करता हूँ किसी भी जगह पे तो राई का साग भी ज़रूर मिलता है खाने को, और एक कॉमन सा चटनी है यहाँ का, काफ़ी अच्छा है।
आप इंडिया से लेकर आई है? ठंडा नहीं हुआ रास्ता में? ना। जो वहाँ पर आप जीप देख रहे हैं तो नेशनल पार्क के अंदर सफारी के लिए 4 घंटा और 8 घंटा के लिए सफारी के लिए जाएगा। डॉग के साथ तो अलाउड नहीं होगा? डॉग के साथ अलाउड नहीं है। वही ना। हाँ, वहाँ क्रोकोडाइल्स देखिए। अरे क्रोकोडाइल्स भी है वहाँ पे तो। इतना ओपन। मेरा जो है आगे नेशनल पार्क गाइड ऑफिस है, मैं बेसिकली सफारी ऑर्गेनाइज करता हूँ ग्रुप में। अरे मैं सफारी करता ना ये इसके चक्कर में मैं नहीं जा पाता हूँ बहुत जगह। खास बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों आपका नेशनल पार्क है, यहाँ पे आप सफारी में जा सकते हो, यहाँ पे टिकट मिल जाता है, आप भैया ने बताया आपको, और यहाँ पे जाओ और गैंडा देखो, हाथी देखो और भी बहुत सारे जानवर हैं। एक नाले बंदूक दुई नाले बंदूक मेरी गलाई ताके गो मेरी गलाई माइले ताके गो आई ना चलो बैठो सीट बैठो। वाओ शैक भी है, क्या बात है, यहाँ तो शाम बन जाएगा यार, गोवा जैसा फीलिंग आ रहा है। बारबेक्यू भी आई थिंक ये बारबेक्यू के लिए ही रखा गया होगा। अरे गजब यार। सो यहाँ पे देखो सौहारा रत्नागिरी नेपाल का, तो यहाँ शैक वगैरह भी आप देख सकते हो, काफ़ी लंबा है, और यहाँ से आप सनसेट भी देख सकते हो। खैर ये जगह रईसों का लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग रुक नहीं सकते, तो यहाँ से अभी हम लोग फटाफट निकलते हैं। आप लोग यहाँ पे आना, एंजॉय करना, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, और ढेर सारा करेंसी लेके आना नेपाल का। दोस्तों हेटौड़ा से जब मैं लुम्बिनी की तरफ जा रहा हूँ तो इतना ख़राब रास्ता देख रहा हूँ, लगातार ख़राब, मतलब गेटौंडा से लेकर के पूरा उधर लुम्बिनी तक पूरा ख़राब रास्ता है दोस्तों। शहर में जाते हो थोड़ा तो अच्छा रोड मिलेगा आपको, लेकिन लुम्बिनी तक पूरा ख़राब रास्ता है, तो ध्यान से गाड़ी चलाना आप, और धूल मिट्टी बहुत होता है तो प्लीज़ आप पूरा प्रोटेक्शन ले करके चलना। तुम्हारे लिए भी कुछ बना रहे बैठो। अरे यार रैगनार बंदर दे, रैगनार ये सिर्फ ड्रामे करेगा अभी, नहीं नहीं ए फिर मार खा जाएगा, चल मार मारेगा तुमको फिर, चलो रैगनार। हाँ मजा आया अभी मैं नेपाल गया था तो अभी लुम्बिनी जा रहा हूँ तो पैसा ख़त्म हो गया।
आपकी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले रील्स देखी थी, चैनल सब्सक्राइब किया था तो आपको, तो मैं सोचा मैसेज आपको कर दूं। अरे श्योर श्योर श्योर, कैश मिल जाएगा क्या? हाँ, तो शकल मेरा देख रहे हो आप, ये हटौड़ा से लुम्बी की तरफ जा रहा हूँ, इतना खराब रास्ता, इतना खराब रास्ता। तो पता चला कि लुम्बिनी के थोड़ा सा कुछ किलोमीटर पहले, 10-20 किलोमीटर पहले यूपी और ये सलौली कुछ बॉर्डर पड़ता है नेपाल, तो यहाँ पे सोचा कि मेरा कैश का हमेशा दिक्कत रहता है भाई, तो सोचे कि कुछ डोनेशन से जो कलेक्ट हुआ होगा यहाँ से मनी एक्सचेंज करवा लेंगे, क्योंकि उधर फोन पे पेटीएम चलता नहीं है। तो अब ये भाई हमसे स्कैन करवाया, अब मैं इसमें पेमेंट कर दिया 10 बार, और ये भाई हमको बोलता है कि अरे भैया आप ऐसे काहे कर दिए, अब नहीं आएगा पैसा। आप बोल रहे हैं कि आधा घंटा, मेन क्या था कि आप इसमें एक बार स्कैन करके एक ही बार में पेमेंट कीजिए, मतलब स्कैन करके हिस्ट्री में जाके पेमेंट करने से क्या होता है कि ये कॉमर्शियल है बोलते हैं कि नहीं आता आपके में वापस आ जाएगा। अब आधा घंटा हमको रुकवा रहे हैं, अब मेरे साथ यही होता है हमेशा दिक्कत, बचपन से तो मेरा यही प्रॉब्लम रहा है, अगर 50 मार्क्स चाहिए हमको तो 200 मार्क्स का पढ़ाई करना पड़ता है। नहीं मेरे साथ कभी एक बार में नहीं हुआ है कुछ भी सही से। अब देखो पूरा भारत घूम लिए, मेरे जैसा कोई उतना घूमा नहीं होगा रैगनर की तरह, रैगनर के साथ, लेकिन यार अफसोस की बात है जितना चाहिए उतना हुआ नहीं। मैं दिखा दिया हूँ पेपर सर, मनी एक्सचेंज कराने के थे नेपाल, इंडिया से। कहाँ से हो? इंडिया से। सर इसको डार्क कंट्री करना पड़ेगा। दिखाया हूँ सर। कब? इससे हो गया आधा घंटा पहले उधर लेके। हाँ हाँ, यहाँ पे अंदर दिखाया था। हाँ हाँ हाँ, दिखाया हूँ, दिखाया हूँ। हाँ हाँ, उधर आधा घंटा पहले उधर लेके गया था मैं। अब इधर क्या काम था? मनी एक्सचेंज करना था। अच्छा, मनी एक्सचेंज इसका भी होगा, दिखा दिया। हाँ हाँ, सारा पेपर इसका दिखा दिया हूँ सर, 5 मिनट पहले। घुमाने नहीं टोक रहा है। हाँ, मिलेगा नहीं मिलेगा इसका? हाँ सर, छुपने मिलेगा कि नहीं, पकड़ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छुई ना सर, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करते है। क्या लेके जा रहा है? पूरा नेपाल घुमाने। क्या नाम है इसका? पूरा नेपाल घुमाने जी, रैगनर। काटते तो नहीं? नहीं सर, नहीं काटते। कितना दिन का टूर है? मंसा पेपर देना अपने पास में, सब चीज़ है सर। कुकुर का वो है क्या? नहीं सर, इसका भी है, वैक्सीनेशन वगैरह सब चीज़ है, लाइसेंस वगैरह सब। रैगनर, रैगनर बोले इसका, बोला कि इशारा कर देता। ट्रेनिंग प्राप्त है कि नहीं? यही पूरा ट्रेनिंग है सर। एक बार देखो, हाँ गाइड होके एक बार इसका एक्शन देखा, पूरा एक्शन। उधर जाओ, इधर आओ, देखो इधर से साइड लगाओ। जैसे ये ना एडवेंचरस के लिए बना, एडवेंचरस के लिए कुछ भी जैसे होता है ना, जैसे कि आप मेरे ऊपर मारने की एक्टिंग कीजिएगा। नहीं टोकता है ना, बोला मारिए मेरे को, इसका बोला है ना। नहीं नहीं, एक बार मेरे को उसको ऐसे दिखा, रैगनर बचाओ, रैगनर रैगनर। सॉरी सर, दिखाने के लिए आक्रमण गरे भने एक्शन प्रतिकारमा आउने रहेछ के चाहिँ मान्छे त और एक्शन देखाने छ रेग्न एक्शन देखाने छ। सर वो पता चलेगा जब इसके साथ घूमिएगा ना, तो बहुत कुछ जानते हैं। वो गाड़ी छोप के आइए बोले था। रोड में इसको सख्त ट्रेनिंग दिया हूँ कि कभी भी व्हाइट पट्टी के उधर मत जाना, जो व्हाइट लाइन होता है ना उसके मत जाना, फुटपाथ में चलना नहीं करना। इसलिए तो इसको आज तक कभी पट्टा नहीं पहनाया ना। और एक और क्या है और देखा, नया कुछ देखिए तो लेके आएगा। देखिए जैसे इसका एक्टिंग देखिए, ओके सर शुक्रिया, चलते हैं सर, थैंक यू। रैगनर चलो बैठो, आप ही घर बस अपने आप बैठता है, इसे काटता है।
रोड चेजर जो होता है सामान उमान लेके भागता है ना, तो उसके चक्कर में इसको ट्रेनिंग दिया हूँ। 3 साल से लगातार घूम रहा हूँ ना, तो बीच बीच में लड़ाई होती है, पीने वाला रात में मिल जाता है, टेंट वेंट लगाता हूँ, तो इसको गार्ड डॉग के हिसाब से बहुत ट्रेनिंग दिया हूँ। इसीलिए कोई जैसे गाड़ी के सामने आता है ना, तो उसको लगता है ना कि वो हमला कर रहा है मेरे ऊपर। नाम क्या है? रेंजर है। रैगनर। रैगनर जी सर। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो लुम्बिनी, अच्छा, फिर पोखरा। कहाँ से आए हो? झारखंड, इंडिया। झारखंड। खाना खिलाया? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही निकलता नहीं है, ऐसे बैठता रहा। 140 के स्पीड में भी मैक्सिमम चल लेता है ये खड़ा होकर। बाइक निकलता है? दोस्तों, रैगनर ने जब दूसरी बार अटैक किया तो वो वही फौजी भैया थे जिन्होंने पहले मेरे पे हमला किया था। तो रैगनर देखो कितना रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जानबूझ के वो मतलब दूसरे वाले भाई आए तो उनको कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो पहले वाले भैया ने जो मेरे पे हमला किया था, एक्टिंग किया था, उस पर फिर रैगनर ने हमला किया, इतना याद रहता है उसे। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नेपाल में अभी बहुत कुछ होने वाला है। पोखरा हम लोग पहुंचने वाले हैं, आज लुम्बिनी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, करंट अपडेट की जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक दो दिन पहले का मैं ब्लॉग डालता हूँ। इतना मेहनत होता है, इतना ट्रैवल करता हूँ, एडिट भी करना होता है, तो लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। करंट स्टेटस के लिए आप प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, पोखरा की तरफ, लुम्बिनी की तरफ।